की, भारत माता की जय। मां भद्रकाली, भद्रकाली अम्मवारी महत्यानी की, सम्मक्का सारलम्मा पौरुषानी की, रानी रुद्रमा पराक्रमानी की, प्रख्याति गाचिना वरंगल को रावड़ं संतोषंगा उंदी। आज मैं एक बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में वारंगल में आप सबके बीच आया हूं। ये क्षेत्र जनसंघ के जमाने से ही हमारी विचारधारा का मजबूत किला हुआ करता है। जब संसद में बीजेपी की सिर्फ दो सीटें थी, तब हनुमान कांडा से श्री जंगा रेड्डी जी सांसद हुआ करते थे। आज बीजेपी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, तो इसमें तेलंगाना की इस धरती की बहुत बड़ी भूमिका है। मुझे खुशी है कि अब यहां बीजेपी का निरंतर विस्तार हो रहा है। 2021 में यहां के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में बीजेपी अपने प्रभाव का ट्रेलर दिखा चुकी है। इतनी बड़ी संख्या में आप यहां पहुंचे हैं, इसका संदेश साफ है। अब विधानसभा चुनावों में बीजेपी यहां बीआरएस और कांग्रेस दोनों का पत्ता साफ करने जा रही है। साथियों, यहां आने से पहले मुझे तेलंगाना के विकास से जुड़े हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास करने का अवसर मिला। इनसे इस क्षेत्र में सुविधा तो बढ़ेगी ही, रोजगार के भी नए अनेक अवसर बनेंगे। पिछले 9 वर्षों में केंद्र की बीजेपी सरकार ने तेलंगाना के विकास के लिए पूरी शक्ति से काम किया है। आज तेलंगाना में करीब 36,000 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। 2014 में तेलंगाना के लिए जो रेल बजट था, आज उसका 17 गुना 17 टाइम अधिक रेल बजट तेलंगाना के पास है। भाजपा का लक्ष्य यही है, तेलंगाना विकसित बने, तेलंगाना भारत को विकसित बनाए। साथियों, भारत की आत्मनिर्भरता में तेलंगाना की भूमिका बहुत बड़ी है। जब भारत ने तय किया है कि हम कोरोना की वैक्सीन, भारत की अपनी वैक्सीन बनाएंगे, तो तेलंगाना के लोगों ने आगे बढ़कर अपना दायित्व निभाया। जब भारत ने तय किया कि हम दवाइयों के लिए कच्चा माल बनाएंगे, तो तेलंगाना के लोग नई ऊर्जा के साथ जुट गए। जब भारत ने तय किया कि हम मेड इन इंडिया पर बल देंगे,
तो तेलंगाना के मैन्युफैक्चरर्स ने पूरी ताकत लगा दी। जब भारत ने तय किया हम यूरिया में आत्मनिर्भर होंगे तो बरसों से बंद रहा रामागुंडम खाद कारखाना फिर से सजीव हो उठा। और साथियों, जब भारत ने अपनी रेल को आधुनिक बनाने का फैसला किया तो भी इसमें तेलंगाना ही अपनी बड़ी भूमिका निभा रहा है। अब काजीपेट में वैगन बनाने की नई फैक्ट्री बन रही है। यहां बनने वाले सैकड़ों वैगन भारतीय रेल के विस्तार और एक्सपोर्ट दोनों को बल देंगे। भाइयों और बहनों, बीते 9 वर्षों में पूरी दुनिया में देश का इतना गौरव बढ़ा है, भारत को लेकर आकर्षण बढ़ा है, इसका भी फायदा तेलंगाना को हुआ है। यहां पहले के मुकाबले अब ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा है और इस ज्यादा इन्वेस्टमेंट का फायदा तेलंगाना के युवाओं को हो रहा है, उसे नौकरी मिल रही है। भाजपा सरकार ने दुनिया में भारत की जो साख बढ़ाई है ये उसी का नतीजा है। लेकिन सवाल ये है कि हां, तेलंगाना में जो सरकार है उसने क्या किया? साथियों, यहां की राज्य सरकार ने सिर्फ 4 काम किए हैं। यहां की सरकार ने सिर्फ 4 काम किए हैं। पहला, सुबह शाम मोदी को, केंद्र सरकार को रेगुलरली गाली देने का काम किया है। पूरी डिक्शनरी इसी काम में लगाई है। दूसरा काम क्या किया है? एक परिवार को ही सत्ता का केंद्र बनाने का और खुद को तेलंगाना का मालिक साबित करने का काम किया है। तीसरा काम क्या किया है? इन्होंने तेलंगाना के आर्थिक विकास को चौपट कर दिया। चौथा काम क्या किया? चौथा, इन लोगों ने तेलंगाना को भ्रष्टाचार में डुबो दिया। आज तेलंगाना में ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है। केसीआर सरकार यानी सबसे भ्रष्ट सरकार।